सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हो के वाई ट्यूबर, जहाँ पे आपको कश्मीरी यूट्यूबर्स की न्यूज़ देखने को मिलती है। आज मेरे पास बहुत सारी न्यूज़ है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो चलिए आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, मेरा एक फ्रेंड है जिसका नाम है दानिश व्लॉग्स, एंड वो जो है व्लॉग्स वगैरह अपलोड करते हैं अपने चैनल पर एंड बहुत अच्छे व्लॉग्स वगैरह बनाते हैं। उन्होंने जो है रिसेंटली अपना चैनल स्टार्ट करा है, तो ज़रूर से उनका चैनल चेकआउट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, एंड ज़रूर से सपोर्ट करें। तो चलिए फर्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात करने वाला हूँ सिद्धू मूसेवाला एंड बब्बर शेर के बारे में। आप लोगों को पता ही होगा कि सिद्धू मूसेवाला की हो गई है, एंड उसके बाद जो आज बब्बर शेर, जो कि आप जानते ही होंगे बब्बर शेर को कितने फेमस है कश्मीर में, उन्होंने भी उन पे रिएक्ट करते हुए कुछ कहा है, कुछ फनी सा है, आप खुद ही सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा। सिद्धू मूसेवाला पर एक बात बताना चाहता हूं, मुसीबत दा मर्दाम पर पहनती रहती है। बोलना चाहता हूं, जैसे मैं बब्बर शेर हूं, वैसे सिद्धू मूसेवाला भी बड़ा शेर है। ये बहुत ही देश को नुकसान हो गया। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो या नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फहीम व्लॉग्स के बारे में। तो फहीम व्लॉग्स जो है कल लाइव आए थे अपने चैनल पे, एंड कुछ लोग वहाँ पे उनको जो है गालियां वगैरह दे रहे थे, एंड उसके बाद जो है उनका क्या रिएक्शन था आप खुद ही सुन लीजिए। मेहरा भट्ट, यस यस, योर फादर। चलो चलो चलो, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। गालियां दो, जी भर के गालियां दो मुझे। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो यानी कि कमेंट्स में जरूर से बताना। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ एमसी मुसैब के बारे में, जो कि एक कश्मीरी सिंगर एंड रैपर हैं, एंड उन्होंने जो है कुछ टाइम पहले कहा था कि उनका एक सॉन्ग आने वाला है आमिर माजिद के साथ। वो जो है लाइव आए थे, एंड वो जो है आमिर माजिद के स्टूडियो में थे, एंड उन्होंने बताया कि उनका जो है सॉन्ग बहुत ही जल्द आमिर माजिद के साथ जो भी आने वाला था वो जो है एक दो दिनों में या कुछ ही दिनों में हमको देखने को मिलेगा। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो यानी कि कमेंट्स में जरूर से बताना। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। मैं बात कर रहा हूँ स्नैपचैट एंड स्पॉटीफाई के बारे में। अगर आप लोगों को नहीं पता, तो स्नैपचैट एंड स्पॉटीफाई जो है कश्मीर में बैन कर दिया गया है एयरटेल यूजर्स के लिए। बाहर का मुझे नहीं पता, बट कश्मीर में जो है एयरटेल यूजर्स के लिए स्पॉटीफाई एंड स्नैपचैट को जो है बैन कर दिया गया है। उसी पे रिएक्ट करते हुए कुछ यूट्यूबर्स ने जो है स्टोरीज पोस्ट की थी, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो। अगर आपको रीड करनी है तो पॉज करके रीड कर सकते हो। सो गाइस, आप लोग इस बारे में क्या सोचते हो नीचे कमेंट्स में जरूर से बताना। बस यार, आज की वीडियो में इतनी न्यूज़ मिल जाए, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।